हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल फाइनेंस का ज्ञान में। ये है फाइनेंस का पावर, देख लो भाई। ये अंदर से मेरे घर का डेकोरेशन देख लो, बाहर का तो मैं आपको दिखा चुका हूँ। ये है फाइनेंस कंपनी का पावर। इसमें मेरे पैसे लगे हैं, मेरे भाई के पैसे लगे हैं। ये ज़मीन हमने खरीदी है, उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन किया है, तो आप बात नहीं कर सकते। सिंपल एज ए ग्रेजुएशन, सिंपल मैंने जॉब किया और जॉब में मैंने फाइनेंस कंपनी 15 साल किया, लेकिन ये घर मैंने 7-8 साल में बना लिया था। देखिए, एक जीरो पहले घर में हमने आपको दिखाया था कैसे मैं रहता था। अभी का घर देख सकते हो, ये देखो, अंदर से सीढ़ी है, पूरे वाल में पुट्टी है, सब कुछ है, सब कुछ है, सब कुछ है, सब कुछ ऑन रोड घर है। यहाँ से अब आपको आवाज़ भी आ रही होगी कि ड्रेसअप देख लो, आज मुझे काम करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, आज मैं काम नहीं करता, लेकिन घर मेंटेन दिख रहा है आपको। ये अलग चल रहा है, ये अलग चल रहा है, घर मेंटेन दिख रहा है ना। तो ये है फाइनेंस की पावर, ये है इन्वेस्टिंग पावर, ये सब कुछ पावर मिली है मुझको सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस जॉब पे। एज ए सिंपल ग्रेजुएट फाइनेंस कंपनी में मैंने काम किया। इंग्लिश मुझे ज़ीरो आती है और मैं 36 कंपनियों ने निकाल दिया। सिर्फ फाइनेंस में मैंने काम किया, फाइनेंस किया, रिकवरी किए, पैसे कमाए, ऊपर से कमाए, इधर से कमाए, उधर से कमाए, मैंने बहुत पैसे कमाए। और ये हर आदमी कर सकता है जो मेरे जैसा आदमी, यार जिसको कोई किसी कंपनी में जॉब नहीं मिला, यार जॉब मिला मैं कर नहीं पाया। बहुत से कंपनी में BPL ने भी जॉब मिला था, मैं नहीं कर पाया, मेरे को नहीं हो पाया, ठीक है। लेकिन फाइनेंस कंपनी में गया तो खाली पैसे ही तो बांटने हैं लोगों से, पैसे ही तो लेने हैं लोगों को, मदद ही तो करना। उसमें नहीं कर पाऊँ तो मैं बोला ये पैसे मेरे को कंपनी दे रही है कि भाई ये पैसा लो और मार्केट में बांट दो, और उस पैसे को मैंने मना ले आना। लोगों को पैसा ना दे पाऊँ तो मैं समझ गया ये काम अगर मैं नहीं कर पाया ना, लोगों को पैसा नहीं दे पाया ना, तो फिर मैं दुनिया में क्या बेचूँगा यार। तो सोच मैं आलू बेचूँगा क्या? मैं लोगों को पैसा नहीं दे पा रहा हूँ कि भाई पैसा पकड़ ले भाई, तेरी ज़रूरत है, ज़रूरतमंद आदमी को कार ले रहा है, मैं दे रहा हूँ तेरे को 8 लाख रुपया, भाई उसको सेल नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं ज़िंदगी में क्या सेल करूँगा? मैं पेन भी सेल नहीं कर सकता, मैं आलू भी सेल नहीं कर सकता, दुकान तो भूल ही जाओ, बाकी कपड़े वपड़े तो भूल जाओ। तो ये मेरे माइंड में आ गया, फिर मैंने इसको माइंड में रख लिया और बोला नहीं यार ये काम नहीं कर पाया तो फिर दुनिया का मैं कोई काम नहीं कर पाऊंगा। फिर मैंने बोला कैसे भी करके भिड़ो, मेहनत किया 1 साल, बाकी बता रहा हूँ मेरा भी नहीं। स्टार्टिंग में तो मैं महिंद्रा में था तो बैठे बैठाए केस मिल जाता था, बाद में दूसरी कंपनी में स्विच ऑफ कशीराम में तो बैठे बैठाए नहीं था, फील्ड पर जॉब था 5-6 साल, मेरे को बहुत मेहनत करना पड़ा, बहुत सुनना पड़ा। उसके बाद जब मुझे मेरा एरिया बना, जब मेरा मेहनत रंग लाया ना, क्योंकि मिनिमम 1 साल के बाद ही आपका मार्केट बनेगा और आपका मेहनत रंग लाएगा। हर कंपनी भगाती है 6 महीना, हर जॉब भगाता है 6 महीना, हर वर्क प्रेशर मांगता है, डिप्रेशन मांगता है, हार मांगता है, उसके बाद फिर मिलती है आपको ऐसी सक्सेस। में ज़िंदगी में हम लोग का घर बनेगा हमने कभी सोचा नहीं था, है ना। पापा ने हमको पहले बोल दिया था कि भाई नाम शादी कर सकते हैं तुम्हारा, नाम घर बना सकते हैं, ठीक है। हम तो सोचो ये सब हमने अपनी मेहनत से बनाया, तो एक अचीवमेंट लगता है, सुकून लगता है कि ये सब हमने किया है। थैंक्स। तो आपको ये मोटिवेशन वीडियो था, ये स्पेशली मैं डालूंगा कभी मूड आएगा तो, या फिर नहीं डालूंगा, मैं सिर्फ रिकॉर्ड कर रहा था तो इस गेटअप पर बना लिया। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया, कुछ पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और क्या चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया और शब्बा खैर दोस्तों।